अगर किसी कौल से, किसी फेल से, किसी कलेमा से गुस्ताखी होना आका अलैहिस्सलाम की साबित हो जाए तो उसके बाद आगे तो इख्तलाफ ही नहीं है किसी में। जो इख्तलाफ करेगा काफिर हो जाएगा। आगे आपका, हमारा और हर एक का नुक्ता नजर एक है। यह मसला है असल, जिस पर मैंने पिछले 6 घंटे में गुफ्तगू की, आज मैं इसको बयान करूंगा आगे। और मैंने पहले गुस्ताखी की तारीफ उस पिछले 6 घंटे की पहली नशिस्त में काजी याज रहमतुल्लाह अलैह की अशिफा बाब अव्वल जो इस मौजू पर लाए हैं उसके पूरा बाब पढ़कर, और मुल्ला अली कारी की शरह शिफा के साथ और अल्लामा खिफाजी की नसीमुर रियाज के साथ उस पूरे बाब की मैंने तशरीह की थी कि गुस्ताखी किसको कहते हैं, इहानत रसूल कैसे होती है और कैसे नहीं होती, वो उसका बयान कर दिया था। सो एक बात जहन में रख लें, बाज लोगों को एक मुफ्त का एक जहन में एक तसव्वुर है कि अगर हमने इस तसव्वुर को जो मैं बयान कर रहा हूं कबूल कर लिया तो गुस्ताखी रसूल वाला या तहफुज नामूस रिसालत का कानून तो मुल्क में रहेगा मगर गैर मुअस्सर हो जाएगा। और ये कुफार चाहते हैं, दुश्मनाने दीन चाहते हैं कि गैर मुअस्सर हो जाए। सवाल यह है कि इस सोच का कोई मेयार होना चाहिए। आप मुअस्सरियत और गैर मुअस्सरियत की क्या तारीफ करते हैं? मुअस्सरियत जैसे आपकी तबीयत चाहे या जैसे रसूलुल्लाह चाहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? कौन सी मुअस्सरियत, जैसे आप चाहें या जैसे आइमा मुज्तहिदीन ने मुकर्रर किया है हदीस की रोशनी में? तो जो दीन के कवायद के तहत होगी मुअस्सरियत उसी को मुअस्सर कहा जाएगा, वरना लोग नाजायज मुतासिर हो जाएंगे, फिर वो तासीर नहीं होगी। तो हमें मुअस्सरियत और गैर मुअस्सरियत का तायुन भी अपनी ख्वाहिश नफ्स और अपनी इख्तिराआत और अपने जहनी खुद मनगढ़ंत तसव्वुरात के तहत नहीं करना चाहिए। मुअस्सर रहेगा या नहीं रहेगा यह भी कवायद शरीयत और उसूल अकीदा के मुताबिक होना चाहिए। ये सारी खराबी घूम फिर के सुन सुना के हम फिर पलट के अपने उस पहले नुक्ते पर आ जाते हैं जैसे कुछ सुना और समझा ही नहीं हमने। ये बुनियादी चीजें हैं।